आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चीफ कलेक्टर होने के नाते आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आप ऐसे ही आगे भी बने रहिए और मैं समाज को डिपार्टमेंट को नाम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और काउंसिल भी महेंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑनलाइन किया और मुझे अपने दोस्तों का नया वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच हमारे परिवार साहब, देखिए ये दिलों की आवाज है, ये हमारे समाज की आवाज है, ये हमारी आवाज है। जोरदार तालियां। जय भीम। ऐसे तो मजा आएगा नहीं, हाथ उठना चाहिए, आवाज पूरी जानी चाहिए। लोकसभा नजदीक है, वहां तक जय भीम का नारा देना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन के अध्यक्ष मीना साहब, महासचिव गजेंद्र कुमार जी, प्रताप जी और जो हमारे सीनियर साथी मंच पर बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको वर्ष 2024 शुभ हो, नई खुशियां आए, स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी खुशी है स्वस्थ रहना चाहिए। एज का जो पड़ाव है 50 के बाद का, वो बहुत सारी समस्याओं को न्योता देता है, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होता है जो अपने गिलास का पानी खुद उठा के जब तक पीता रहता है तब तक वो सबसे बढ़िया आदमी होता है, और जब अपना गिलास भी खुद ना उठा पाए तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती है। इसलिए सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और नवंबर 2024 आप सबको आपके परिवार को शुभ हो। सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन की कुछ विशेषताएं, जैसा मेरा परिचय इस परिवार में हर साल होता है कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। बाबा साहब की अनुकंपा मेरे ऊपर कितनी है कि मैं अभी 25 जून 2023 को दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया गया, और उस नामकरण करने के लिए जब मुझे न्यूयॉर्क बुलाया गया और मेरे हाथ से उसका अनावरण हुआ, नामकरण हुआ, तो मुझे भी लगा कि मेरी सर्विसेज को भारत और भारत के बाहर भी अम्बेडकर वादी स्वीकार करते हैं, उनका एक्सेप्टेंस देते हैं। अभी 25 नवंबर को हमारे सीपीडब्ल्यू परिवार, रेलवे का परिवार, एनआईसी का परिवार, महासंघ का पूरा परिवार अर्थात सभी बैंक, स्टेट बैंक, सारे देश के जो भी संगठन हैं, उन संगठनों ने मिलकर के 25 नवंबर को संविधान यात्रा निकाली। विशेष बात यह है कि जब हमारे इस संगठन के संस्थापक हमारे बड़े भाई आदरणीय और अब तो स्वर्गीय हैं, हमारे बीच में नहीं है, इंजीनियर वी एस भारती साहब, हम दोनों को चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के रूप में तो लोग जानते ही थे, लेकिन दोनों को सगे भाई के रूप में पूरा देश रिकॉग्नाइज करता था। इवन अमेरिका की यात्रा पर जब हम साथ साथ रहे तो सब लोग हमें सगे भाई के रूप में देखते थे। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये पौधा लगाया, मैं निश्चित रूप से आज उनको याद करता हूं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। सीपीडब्ल्यूडी परिवार की कुछ विशेषताएं मैंने देखी, क्या विशेषताएं हैं। 14 अप्रैल पर स्टॉल जरूर लगेगा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, और सबसे बड़ा स्टॉल जो होगा वो सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन का, इसलिए जोरदार ताली बजाइए। एक 14 अप्रैल का कार्यक्रम निर्माण भवन में हर साल होता है, और ये जो नव वर्ष का कार्यक्रम है ये भी हर वर्ष मनाया। ये अकेला ऐसा विभाग है पूरे महासंघ का जो इन गतिविधियों को नियमित रूप से अपनी डायरी, अपने कैलेंडर छपवा करके नए साल में हम सबको याद करके
14 अप्रैल का बाबा साहब का निर्माण भवन में कार्यक्रम करके और संसद मार्ग पर बाबा साहब के 14 अप्रैल के जन्मदिन के अवसर पर स्टॉल लगा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। इसलिए मीना साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राजेंद्र कुमार जी राष्ट्रीय महासचिव, इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। समाज इकट्ठा हो, समाज की बात ना हो, इतने लोग इकट्ठे आप नहीं होते। मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, हर विभाग में मुझे जाने का मौका। मैं केंद्रीय बैंक की मीटिंग को परसों संडे के दिन राजा राममोहन राय मेमोरियल जो हॉल है उसमें उनका अधिवेशन था। आज हम सीपीडब्ल्यूडी परिवार को कल हमारे मेरठ के अंदर समाज की महापंचायत हो रही है। महापंचायत का कारण यह है कि हमारे समाज का एक बहुजन समाज पार्टी का निगम पार्षद, एक समाजवादी पार्टी का निगम पार्षद, दोनों शेड्यूल कास्ट और दोनों को जनरल कैटेगरी के लोगों ने कोड़ा कोड़ा के पीटा। इले उत्तर के सरकार के एक मंत्री ने उसको जब पता लगा वो मीटिंग में था, वहां से वो दौड़कर आया और उसने वहां जाकर के उनकी पिटाई की। इंदु शेखर नाम का एक मजदूर राजमिस्त्री जिसने किसी जनरल कैटेगरी के आदमी का मकान बनाया, इसको भी थाने के अंदर गांव पड़ता है, वो पैसे मांगने गया तो पैसे तो दिए नहीं उसके 2.5 लाख रुपया, उसको बांधकर उसके पैरों में की ठोककर गोली मार करके उसको फिर पेड़ पर लटका करके पुलिस स्टेशन को फोन किया गया कि हमने इसको टांग दिया है मार करके, हम सब उतार लीजिएगा। ये आजाद भारत का आज भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलने वाले देश का अगर असली स्वरूप है तो आज भी इसको आप कल मेरठ में महापंचायत हो रही है, लाखों लोग जो कमिश्नरी का चौराहे है वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, महासंघ के लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सब लोगों को बुलाया गया है। और आवाज ये है कि अगर ये अत्याचार अभी इनकी हम बात कर रहे थे, कल रात एक हमारे समाज के आदमी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मार दिया गया, आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या है, यहां एक बात समझने की है आपको। जब अमेरिका में नौकरों की जरूरत पड़ी तो अमेरिका में ब्रेस को लाया गया। किसको लाया गया? ब्रेस को लाया गया। और ब्रेस को क्या काम कर दिया? सेवा करने का, सफाई करने का, ड्राइवर करने का, ड्राइवर का काम करने का। फिर आज क्या हुआ? अमेरिका जैसे राष्ट्र में ब्लैक्स और व्हाइट्स के राय बराबर हो गए, ब्लैक्स वहां का राष्ट्रपति बन गया। ये बात सही गलत है? जो हम बोलना सही गलत है। और आज उनकी भागीदारी अमेरिका में बिल्कुल हर स्तर पर बराबर हो गई। हमारे देश से भी कुछ लोगों को अंग्रेज लंदन लेकर गए थे नौकरी करने के लिए, नौकरी के लिए, सेवा के लिए। आज 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत मूल के लंदन के पार्लियामेंट के अंदर, वहां के लोग पर जाकर के यहां से नौकर बनकर गए थे, वो भी लंदन में जाकर मालिक हो गए। भारत के बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए थे जिनको रिसीव जी का नाम दिया गया। उनके पास न छत थी, घर था, न कपड़े थे, लेकिन अगर आज आप देखें रहेगा टूटेगा चड्डा चौका छावड़ा जिनके सरनेम है, जिनको रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में जगह मिली थी, आज पूरे देश में ये लोग आजादी के समय जब भारत आए थे तो आज भारत के मालिक बन गए और आज उनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं। लेकिन भारत का मूल आदमी, मूल आदिवासी, भारत का मूल नागरिक, शुरू का सुनकर इसका अपना देश है, उसके हालत भारत में क्या है ये सोचने का विषय है। 14 साल की लड़की होती है, 12 साल 15 साल की लड़की होती है, उसके शरीर का दोहन होता है, उसकी चुंगी से उसका गला घोट दिया जाता है, पेट पे टांग करके उसको सुसाइड का नाम देकर फाइल क्लोज कर दी जाती है। इसका कारण क्या है, इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा 2024 में। ब्रेक्स के अमेरिका में अंतर बराबर हो गए, जो लोग यूरेशिया से आए, जो लोग बाहर के कंट्रीज से आए जिनको हम आर्यंस कहते हैं, वो इस भारत के मालिक हो गए, और जो भारत के मालिक थे वो भारत के गुलाम हो गए। इसका कारण क्या है, कभी सोचा इस बात के लिए, कभी इस विषय में विचार किया आप लोगों ने? इसका एक कारण है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़ा ना होना, एक दूसरे को सहयोग ना करना। मैंने सरकार की नौकरी में रहते हुए जितने विजिलेंस केसेस देखे एससी एसटी के,
उनमें कभी में सरकारी तौर पर कोई ना कोई एससी एसटी का आदमी ने अपने एससी एसटी आदमी के खिलाफ गवाही दी है। और गांवों के अंदर भी जितने पुलिस केस होते हैं उनमें भी गवाह हमारे समाज के व्यक्ति खिलाफ हमारे समाज का ही व्यक्ति होता है। ये बात सही गलत है सोचा कभी आपने? भैया सोच को बदलो, आपस में प्यार करो, एक दूसरे के पूरक बन जाओ, एक दूसरे को सहयोग करो। एक बार बताइए अगर किसी की लड़की भाग जाए तो समाज की बेटी है वो, कि हम लोग चटकाने देने बोलते हैं अरे यार छक्कर की लड़की भाग गई, अरे यार वो समाज की बेटी है, वो हमारी बेटी, हम सबकी बेटी है, अगर वो भागे तो उसमें पूरे समाज की बेइज्जती हो रही है। उसके बाद भी हमारा विचार में ये होता है कि चलो अच्छा है इसकी भागे। ये जो चीजें हैं जिनमें बदलाव लाने की जरूरत है, अगर नहीं लाएंगे, जैसे हर बार में संख्या बता के जाता 40 लाख लोग 97 में थे, आज 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में है, बहुत सारे लोग यहाँ भगवान सिंह जी सब लोग रिटायर बैठे हुए, सामने बहुत सारे लोग रिटायर बैठे हुए, नौकरी है नहीं, सरकारी क्षेत्र खत्म होता जा रहा, रेलवे जैसे विभाग सब खत्म किए जा रहे हैं, LIC का भी IPO आ गया है, बैंकों का भी जो है जब राष्ट्रीयकरण हुआ था अब बैंकों की हालत यह है कि 6 के 2 और 2 का 1 और बाद में पता नहीं क्या होगा, भारत का पता नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे जो हवाई अड्डे उनका रखरखाव करती थी वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया। आज देश में सरकारी क्षेत्र के नाम पर इतना इतना बचा क्या है, और रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में ही लागू है। इस विचार को देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती, इसलिए माँ का बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। लेकिन माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, स्वर को बिहाओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, ये सरकारें इस देश के SC ST के लोगों के लिए कुछ करने वाली नहीं है। आओ 2024 में हम सब इकट्ठे होकर के आपसी प्रेम भाव को बढ़ाते हुए, एक दूसरे के पूरक होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ करके, बाबा साहब के दिए साहित्य को पढ़ करके अपना एक नया सवेरा खोजें। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपनी पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे, अन्यथा 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 जब मनाएंगे तो 6 लाख की जगह 2 लाख रह जाएंगे, और उसके बाद जब 0 हो जाएगा तो बैक टू पेविलियन, हमारे आपके बच्चे के पास जो मकान आपने हमने बनाया है उसकी कुटाई कराने के पैसे नहीं होंगे। ये भविष्य में आपको बताया जा रहा, मेरा निवेदन है क्योंकि मुझे जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, पूरे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ का मैं पिछले 30 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ, इस जिम्मेदारी को मैं देश विदेश में जब मुझे मौका मिलता है मैं समाज को कोशिश करता हूँ कि जो तथ्य है उन्हें बताए जाए, जो हमारी गलतियां उन्हें सुधारा जाए, और सुधर करके हम लोग एकजुट होकर के आने वाले भविष्य को हमें संवारने की सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। आज के सुंदर आयोजन के लिए CPWD एसोसिएशन के साथियों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि कल के कार्यक्रम के लिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाई थी, उसको मुझे संबोधित करना है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अगर पहले मौका दे दिया जाता है तो बड़ा धन्यवाद होगा। मैं मीना साहब का, रविंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, एक बार पुनः अपने ये CPWD परिवार के एक एक साथी को वर्ष 2024 की शुभकामना प्रेषित करता हूँ, सभी को जय भीम होगा। देखिए भाषण तो हमेशा चौधरी साहब का विस्फोटक होता है, और वो समाज के को डेडिकेटेड भी होता है, और ये सच्चाई इससे भी मुंह नहीं मोड़ सकता। तो चौधरी साहब का वेस्ट शेड्यूल में से आए, उनका धन्यवाद, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इतनी जान चौधरी साहब भूखे रहे हैं तो बाबा साहब का एक नारा तो बनता ही है, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। धन्यवाद साथियों, ये हम तो इसको अमृतवाणी बोलते हैं, जितनी बार बाबा साहब का नाम हमारी इस जीवा में आता है उतनी
की बारी, हमारे पिताजी बोलते थे पवित्र हो गए, क्योंकि जो आज हम सूट बूट में बैठे हैं ये सब उसी महान पुरुष की जो है देन है, जिसके लिए ये समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। मैं अब भगवान सिंह साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि नववर्ष के उपलक्ष्य में दो शब्द कहेंगे भगवान सिंह साहब। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथी आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसमें मुझे अवसर पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। मैं आप नववर्ष पर आपका अभिनंदन और स्वागत और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मेरे मंच पर विराजमान सभी मेरे साथियों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मुलायम में और आया। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाता हूं, लेकिन यह अवश्य मैं अपने इस मामले में बताना चाहूंगा कि मैं 2009 से अपने सीपीडब्ल्यूडी सीएसटी एसोसिएशन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। जब मैं आसाम से इधर आया था तो मैंने ये सब देखा था कि ये प्रोग्राम सारे एक हमारे किसी ऑडिटोरियम वगैरह बुक करके किसी कॉन्फ्रेंस रूम में किया करते थे। अप्रैल 2009 में हमने अपने छोटे स्तर पर एक भारती जी के साथ में मीटिंग किया, उन्होंने कहा कि हम इसको खुले में करना चाहते हैं, तो कुछ साथियों कहना था नहीं भगवान सिंह अच्छा नहीं होगा, भाग करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, हम करेंगे। देख लो भाई झगड़ा होगा लोगों ऐसा, मैंने कहा ना ये हमारा कार्यक्रम एक सद्भावना पैदा करने के लिए है। हम अपने दूसरे जो साथी लोग हैं जो इससे जुड़े नहीं है लेकिन विभाग से हैं, उन सब के मध्य हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहेंगे। हम अपने साथियों के साथ में अच्छा सहयोग के साथ काम करेंगे, एक अच्छा बर्ताव होगा, हमारा ऊपर नीचे सबसे पहचान होगी, तो हम अपने कार्यों को भी अच्छे से सुचारू कर सकेंगे। इसमें झगड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तब से हमारे 2009 से ये सारे प्रोग्राम खुले में होने लगे हैं, और उस समय डायरेक्टर जनरल सहदेव साहब जी थे, 2009 में उनके द्वारा हमने परमिशन लेकर खुले में इस प्रोग्राम को किया निर्माण भवन में, तब से हमारे यहाँ चल रहा है। तो मैं इस चीज के लिए बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसमें पहल किया और मैं अभी तक शामिल हूँ, और मैं हमेशा ही आपके साथ बना रहूंगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। और बस आपको सब मैं अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ, वर्ष अच्छा रहे और अच्छे से सब मिलता रहे हम लोग अपने संगी साथियों से, अच्छा अच्छी भावनाओं के साथ एक दूसरे से मिलकर काम करें, और किसी के प्रति हम मतलब बुरा बर्ताव ना करें। बुरा बर्ताव करना बहुत एक बुरी ही चीज है। हम अपने साथियों के साथ अच्छे सहयोग साथ रहें तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा पाएंगे इस मामले। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद भगवान सिंह जी। भगवान सिंह जी ने अपने कम शब्दों में हमें जो प्रेरणा स्रोत दिया, हम सदैव उसके उनके आभारी रहेंगे। हमारे बीच वीपी सिंह साहब एससीएट आईडो में बीएसएनएल से, उनसे अनुरोध के मंच की तरफ है, मैं रिक्वेस्ट मिस्टर वीपी सिंह फ्रॉम बीएसएनएल
अगर मेरी आवाज वीपी सिंह साहब तक जा रही है तो कृपया मंच की तरफ आए। मैं देवेंद्र सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि उनका बुके देके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां स्वागत। साथियों, ये वो साथी हैं जो अन्य विभागों से रिटायर होकर भी हमारे फंक्शन को अटेंड करने आए हैं। ये बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। ये कार्यकारिणी उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। मैं हमारे बीच हमारे बड़े भाई खुशहाल चंद जी, मेहरचंद जी और निर्माण मंत्री बाबूलाल जी आए हुए। मेहरचंद जी हमारे बड़े भाई, हमारे साथी खुशहाल चंद जी, बलबीर जी और बाबूलाल जी, ये बड़े कर्मठ हमारे समाज के साथी हैं। मंच की तरफ आए रूप सिंह जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बुके देकर के हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।